स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज मैं आपके सामने जो कॉलेज का वीडियो लेकर आ चुका हूँ, आपको हमारे हेडलाइन से पता चल गया होगा आज हम किस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं NIT नोएडा के बारे में। जी, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कैंपस इसका लोकेटेड है। अगर कैंपस की बात करें तो इसकी लोकेशन का आपका नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन करीब में कैंपस आपका इसका अवेलेबल है। अगर नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन से कैंपस की डिस्टेंस की बात करें तो 250 मीटर का डिस्टेंस लगभग पड़ता है NIT नोएडा। तो NIT नोएडा एक बहुत ही अच्छा कैंपस है। NIT नोएडा के बारे में बात करें तो NIT नोएडा आपका 2001 में कैंपस स्टार्ट हुआ था। इसका जो अफिलेशन है, मैं BTEC की बात करूँ तो इसका जो अफिलेशन मिला हुआ है NIT का, वो है आपका AKTU से। AKTU मतलब डॉक्टर APG अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ को अफिलेशन मिला हुआ है NIT नोएडा को। तो NIT नोएडा आपका जो कैंपस है, ये आपका है ऑटोनॉमस कैंपस है। ऑटोनॉमस कैंपस जो होता है कि आपको एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अगर बात करें इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे कम कैंपस है जो कि ऑटोनॉमस है, तो NIT नोएडा इसमें से एक ऐसा ऑटोनॉमस कैंपस है। और इस कैंपस की बात करें तो कैंपस आपका UP में ऐसा कैंपस है जिसको NRF रैंकिंग भी मिला हुआ है इंजीनियरिंग में। तो अगर आपका प्लानिंग है नोएडा के लोकेशन में पढ़ने का और ग्रेटर नोएडा में अगर आप आना चाहते हो तो NIT नोएडा को सिलेक्ट कर सकते हो। NIT नोएडा के पास ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। कोर्सेज में बात करें तो इसके पास UG PG कोर्सेज अवेलेबल है। UG में आपका जो कोर्स है आपका B Pharma BTEC हो गया, PG में बात करें तो MC और आपका MBA हो गया। तो BTEC में जो ब्रांच की बात करें तो BTEC में जो ब्रांच है आपका कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस के बाद बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है। ऐसे बहुत सारे ब्रांच इस कैंपस के में अवेलेबल है। आप इनके वेबसाइट पर जाकर कैंपस का डीपली आप पढ़ सकते हो। उसी तरह इनके MBA कोर्सेज भी यहाँ चलते हैं। तो अगर आपका प्लानिंग है इंजीनियरिंग के लिए, आप एडमिशन देख रहे हो और आपके अच्छे से रैंक है तो आप इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर दो तरीके से एडमिशन होता है। एक एडमिशन जो आपका होता है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये नहीं कि आप गए और आपका एडमिशन हो गया। वहाँ के लिए आपको एक अच्छे मार्क्स चाहिए जो कि कॉलेज आपसे नॉर्मल टेस्ट लेगा, जिस पर आप वहाँ क्वालिफाई करते हो तो जाकर वहाँ पर आपके एडमिशन हो जाते हैं। डायरेक्ट एडमिशन एक और आता है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी कॉलेज में एडमिशन अवेलेबल है। बाकी बात करें तो सेकंड जो ऑप्शन है आपका काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। काउंसलिंग इस मीन्स कि आपने JEE Mains का एग्जाम दिया होगा तो आप उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग को फिल करोगे, वहाँ से आप काउंसलिंग करवाओगे, देन आप NIT नोएडा को चूज कर सकते हो। NIT नोएडा सच में बहुत ही बढ़िया कैंपस है। और NIT नोएडा की प्लेसमेंट की बात करें तो कैंपस का जो प्लेसमेंट है आपका BTEC के लिए खासकर, तो मिनिमम जो प्लेसमेंट गया आपका 3.6 लाख रुपीज़ का है। और एवरेज पैकेज की बात करें, मैंने हर चीज़ सर्वे किया करने के बाद मुझे पता चला एवरेज पैकेज के बारे में, तो आपका 4.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में एवरेज पैकेज है। और कॉलेज में जो हाईएस्ट पैकेज गया है इंजीनियरिंग के लिए, वो है आपका 31 लाख रुपीज़ का, यानी कि 31 लाख रुपये का हाईएस्ट पैकेज है। तो कॉलेज ठीक ठाक है यार। कॉलेज क्या है कि ऑटोनॉमस कैंपस है। सबसे बड़ी बात ये कि ऑटोनॉमस कैंपस आपको इंडिया में बहुत ही कम मिलते हैं। और ऑटोनॉमस कैंपस में पढ़ने का एक बेनिफिट होता है कि आप वहाँ से अच्छे बेस्ट हो सकते हो, आपको अच्छी नॉलेज मिलती है और वहाँ पर जो फैकल्टी होते हैं बढ़िया होते हैं। तो आप नोएडा के अंदर प्लानिंग करो तो आप ऑटोनॉमस कैंपस को सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है इस कॉलेज के रिगार्डिंग तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके, चाहे हमारे टीम से कॉन्टैक्ट करके, हमारे कमेंट में कमेंट करके, और हम आपको ईमेल आईडी दे देंगे और हमारे Insta ID पर मैसेज करके फॉलो करके, मेरा Instagram का ID दिया हुआ है, Facebook ID दिया हुआ है, वहाँ पर मेरे को फॉलो करके आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि भैया NIT कॉलेज का और कोई जानकारी जानना हो कि भैया NIT कॉलेज और क्यों बढ़िया है, तो मैं आपको वहाँ पर सब कुछ डिटेल बताऊँगा। और कोई एडमिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके मैं आपको सजेस्ट दे दूँगा, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करते हो तो। बाकी चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके पास मैं लाता रहूँगा।